नमस्कार माधव टेलीविजन रे न्यूज टाइम को आपण मानको स्वागत करूची मु मृणमयी। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। जिला आईन सेवा प्राधिकरण अनुकूल रे अनुष्ठित हला विशाल आईन सेवा शिविर, विभिन्न वर्गर हिताधिकारी को सरकारी सहायता प्रदान। बालेश्वर जीवनरेखा पलटि प्रथम उड़ंतापल निम्नमान मरामति कार्यक्रम नहीं उद्वेग। प्रशासन खामखियाली कार्यधारा विरोध में विभिन्न संगठन मिलित गणधारणा 18 रे। शिशु निर्यातना विरोध में जनसचेतनता बालेश्वर में पहुंचला साइकिल अभिजात्री दल। कुरुड़ास्थित ओडिशा फल पक्ष भव्य संवर्धना प्रदान। आईटी कंपनी पक्षरु बालेश्वर ज्योति हॉस्पिटल को आंबुलेंस प्रदान। उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रदान रे एही प्रोत्साहन अन्य मानक पई प्रेरणा हेबो बोली कहिले हॉस्पिटल कर्तृपक्ष। मिलित ओडिशा निशा निवारण मंच मना पक्षरु उन्मोचित हला भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गत नवकृष्ण चौधरी जीवनी आधारित पुस्तक नीतिनिष्ठ नवकृष्ण। वर्तमान संपूर्ण खबर। भारतीय आईन सेवा प्राधिकरण निर्देश क्रमे जिला आईन सेवा प्राधिकरण और बालेश्वर जिला प्रशासन मिलित सहयोग में एक विशाल आईन सेवा शिविर सहर ब्रिट कल्याण मंडप परिसर में अनुष्ठित हो जाए। जिला एवं दौराजज तथा जिला आईन सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष भगवान प्रधान आनुष्ठानिक भाव यह शिविर को उद्घाटन करते। न्याय प्रदान ठारु आरंभ करी सरकारी योजनार सुफल पहुंचाइबा पई जनसाधारण को सचेतन कराइबारे एही शिविर बेस सहायक होई परिछ बोली से कहिथिले। इन कोर्ट हला जो लीगल अवेयरनेस और लीगल अवेयरनेस एग्जीक्यूट हला पर त फ्रूट आ पाइबा कथा कारण अवार्ड तो समस्त हेबा दाबी करिबा ए सब आगु आगु जीवो किंतु एग्जीक्यूट हे की तरह फ्रूट आ पाइबा न होती मूल लक्ष्य। जो पर्यंत आमे फल पाइने केते लड़ीबा केते कलम त तार किछ मान नथे। एही कैंप रो विशेष करे हम देखलु जे आमे जहा किछि करू छु जहा किछि चली छि आवर नेस उपरे तार फ्रूट एक्चुअली कोन आज जाउ जो 100 बेनिफिशियरी समस्तंगर मिलित उद्यम रे आसी परले आज पाइबे एडा त केवल सैंपल भलिया किंतु जदि एडा कंटीन्यूअस प्रोसेस रे चली जाय आ एही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ रो जते प्रकार संस्था आछन समस्त अवेयरनेस सिगिर लोकंकर अधिकार तक वंचित न करकि आ लोकमानकर दुख को बुझि जदि ए सब करकि आगु बाकु जाति त हम भाबु आमर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जोति पे हेतिला आज डीएलएस रे जोति पे हेतिला आमे सफल हे परबो। मु विशेष करी आज केवल धन्यवाद ज्ञापन करू छी आमर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आमर जुडिशियल डिपार्टमेंट आमर बेनिफिशियल समस्त जे आज ए ग्रैंड इवेंट को आपन सक्सेसफुल कर छथि। बालेश्वर जिलापाल के सुदर्शन चक्रवर्ती, अतिरिक्त जिलापाल नीलू महापात्र, जिला आईनजीवी संघ सभापति मनोज कुमार नायक प्रमुख एथिरे जोगदे आईन सेवा प्राधिकरण एतादृश कार्य को भूयसी प्रशंसा करते। यहाद्वारा साधारण लोके सरकार विभिन्न योजना संपर्क अवगत होगा सह यार सुफल सुजोग पाइपर से मत प्रकाश कर। इट इज ऑन एक्सपर्ट लास्ट टू इयर्स रे अगर अपन देखिबो आग्रो महापात्र बाबू थिले एबे जेना बाबू एवरी डे पब्लिक ग्रीवियंस पब्लिक रिलेटेड इश्यूज फ्रॉम डीएलएस ऑफिस वी आर रिसीविंग एंड थैंक्स टू डीएलएस ऑफिस एवरी डे मु तो कहिबो सम बेनिफिशियरी इज गेटिंग सम बेनिफिट। इट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ द कांस्टेंट विजिल और आई वुड से एक्टिविटीज done by DLS office that every day बहुत अधिकार लोग जो actually तांकर अधिकार से वंचित थे से माने फाइले तांकर अधिकार इस अधिकारी लोग अच्छी जो जते से जो तांकर अधिकार अच्छी जो से माने फाइबर कटा अच्छी से माने फाउन ना थी। So from district administration तरफ तो it's always a constant endeavor that Jyoti Baba samasta all beneficiaries should be covered. I would like to thank my DLSA Mr. Jana Baba also because Tankara camp achi jo legal awareness camp achanti that is working at grassroots level also is creating lot of awareness among the public and the way public jani chi Tankara adhikar kon achi that is very important. Agar apan dekhibo government
Our government is a welfare government. All the parts of the government, legislature, executive, judicial, and even both the state, press, they always work together in tandem to ensure that welfare of the public is served. मोर दीर्घ 35 वर्ष 36 वर्ष वकिलाती अनुमति भितरे जे ये बोधे होची प्रथम घटना जे होची विचार विभाग एवं प्रशासनिक स्तर रो जिला विभाग जिला स्तर रो अधिकारी माने मु जानेनी एसपी महोदय कांग के आसिनाती निश्चित भाव रे निमंत्रण होइतबो जे माने एकाकारी भाग एवं जो आमर मेनर तैयारी करते डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ते ता देले देखाई छी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जे लोक मानन कर हिताधिकारी मानन को ताकर जनमंगल कार्यक्रम भुक्त समस्त योजना अनुजाई मिलुतिबा प्रशासन तरफ विभिन्न विभाग आमर से हौ रेवेन्यू डिपार्टमेंट रो डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी हौ एवं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूँ फिशरी डिपार्टमेंट हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हूँ समस्त विभाग को कोऑर्डिनेट करी हमें हर आदि सारे लोगों को बेनिफिशियरी सिलेक्शन करी जा दिए थी तंको बालेश्वर जिला कोर्टर अन्यान्य विचार विभागीय अधिकारी जिला प्रशासनर अन्यान्य प्रशासनिक तथा विभागीय अधिकारी प्रमुख एहि शिविर उद्घाटनी कार्यक्रमरे उपस्थित थिले जिला शिशु सुरक्षा यूनिट जिला मंगल अधिकारी सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग उद्यान विभाग कृषि विभाग मत्स्य विभाग परिवहन विभाग श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग राजस्व विभाग एवं ग्राम्य उन्नयन संस्था पक्षर यह शिविर स्टल मान खोल योग्य हिताधिकारी चिन्हट सरकार विभिन्न योजना मध्यम सहायता प्रदान कर एही अवसर रे जिला मुख्य चिकित्सालय एवं रोटरी क्लब रो मिलित सहयोग रे एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित होइथला। आईएनजीबी साइरुल हक पैनल लॉयर एवं पारालीगल स्वेच्छासेवी माने एही शिविर परिचालना रे सक्रिय सहयोग करथिले। एही आईन सेवा शिविर को जिला आईन सेवा प्राधिकरण रो सचिव विष्णुदेव जेना परिचालना करथिबा बेले रिटेनर सत्येंद्र उमाशंकर राउत मंच परिचालना करथिले। ओडिशार प्रथम तथा बालेश्वर जीवनरेखा कहुवा उड़ता पोलर निम्नमान मरामति कार्य को नहीं बालेश्वर सिविल सोसाइटी पक्षर् फकीरमोहन गोलाई ठारे गणधारणापी निष्पत्ति परिप्रेक्षी में सहर पढ़ुआपदा स्थित उठा जलसेचन कर्मचारी भवन सभागृह सोसाइटर सभापति अंतर्जामी प्रधान अध्यक्षत एक जरूरी बैठक अनुषित होता विभिन्न सामाजिक और गणसंगठन बहु विशिष्ट व्यक्ति एगद प्रथमे पोलर निम्न भागरे कार्य नकरी उपर भागरे मरामती कार्य शेष पर्यायर पहुंचा जाइथिबारु विस्मय प्रकाश करथिले। प्राय 9 कोटी टंका अटकळरे मरामती कार्यर अर्थ तोषारपात नहिबो बोली सेमाने मत देथिले। सिविल सोसाइटी पक्षरु जिल्लापालंकु एही घटनारे लिखित अभियोग करा जाइथिले मध्ये से कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करुनांती। उच्च न्यायालयक आदेश को जिला प्रशासन भ्रुक्षेप करुनथुबा संपर्क में सोसाइटी संपादक तथा आईनजीवी मनोज नायक अभियोग करथिले। एही बैठक में सिविल सोसाइटी पक्षर मकदमा परिचालना करथुबा वरिष्ठ आईनजीवी करुणाकर रथ जोगदे जनसाधारण बृहत्तर स्वार्थपी अदालतक आदेशनामा उपरे तर्जमा करथिले। वरिष्ठ नागरिक मंचर जिला संपादक तथा सिविल सोसाइटर उपदेष्टा लक्ष्मीधर बेहरा और गौरांग पाणिग्राही उड़ता पोलर मरामती निमंते दीर्घ वर्ष धरी सोसाइटर उद्यम और राज्य सरकार पक्षर अर्थ मंजूर पर भी प्रशासन अपारगता मरामती कार्य विलंब और निम्नमान दर्शाई क्रम आसंता 18 तारीख सका 9 फकीरमोहन गोलाई ठारे बालेश्वर विभिन्न सामाजिक गणसंगठन माने मिलित भाव गणधारणा देवाई निष्पत्ति दलमत निर्विशेष समस्त वर्गर जनसाधारण और विभिन्न गणसंगठन माने शांतिपूर्ण गणतांत्रिक आंदोलन में जोगदेवा बैठक में निवेदन करा जाइथिला। विभिन्न संगठन पक्षर रघुनाथ लेंका श्रद्धांजलि राय
ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଅନୁସୂୟା ନାୟକ, ବାସନ୍ତୀ ସାମଲ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ମହାନ୍ତି, ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ, ସୀତାରାମ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ, ଭଗବାନ ମୋହିନୀ, ବେଣୁଧର ରାଉଳ, ପରମେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଅଜିତ କୁମାର ବରାଳ ଓ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ମଣିପୁରରୁ ବାହାରିଥିବା ସାଇକେଲ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୋ ସାଇକେଲ ପକ୍ଷରୁ ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାତ୍ରା ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମେଘାଳୟ, ଆସାମର ରାଜଧାନୀ ଗୌହାଟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିଲିଗୁଡ଼ି ଦେଇ କୋଲକାତାରୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଟ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବାହାରି ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ ସହ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ୱି ଲଭ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ୱି ସି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଟ୍ ରିଅଲି moves us, it makes us feel sad. So that's our big motto. We want to raise awareness amongst people who are exploiting children. Children are being trafficked, children are being used for child labor, and children are being abused. So the whole idea of Go Cycle is for us to raise awareness so that people know that it is not good. People know that they need to think other children, other girls, as their own sisters, as their own children, and treat everybody well, treat everybody with respect. Thank you. ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁରୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଫଲୋଅପ୍ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳକୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଫଲୋଅପ୍ରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଖାଇ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗୋ ସାଇକେଲ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଲଭେଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 2 ଜଣ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ପ୍ରଭୃତି ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏହି ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଗସ୍ତ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ 3,700 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ସହ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଦଳ 150 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରୁଥିବା ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो हम लोगों से बात करना चाहते हैं, लोगों के बीच में जागृति फैलाना चाहते हैं बालक यौन शोषण के बारे में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। हमारे देश में हर 4 मिनट के अंदर एक बच्चा खो जा रहा है और एवरी 4 मिनट्स देयर इज अ चाइल्ड गोइंग मिसिंग इन इंडिया। तो उसके बारे में हम लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ रहें। तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं और देखने पूछते हैं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, अपना साइकिल्स देख के ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से हैं, क्यों साइकिलिंग कर रहे हैं। तब हमें मौका मिलता है बात करने के लिए रोड में, और हम स्कूल्स पे जाते हैं, बस स्टॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में जहाँ पर हम खाते हैं, तो हर जगह जहाँ पर भी हमें बात करने के लिए मौका मिलता है हम अवेयरनेस क्रिएट कर। कितना किलोमीटर तो हर दिन हम 150 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज कवर करते हैं। हम नवंबर 1 इम्फाल मणिपुर में शुरू किया और आज 12वां दिन है। हम बालासोर, ओडिशा के बालासोर में हैं। हमने साइकिल करके नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और कोलकाता, और आज हम ओडिशा एंटर किए हैं बालासोर। कल हम जाएंगे भुवनेश्वर और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और हम ख़त्म करेंगे इस साल का एक्सपेडिशन बेंगलोर, कर्नाटक में। हाँ, तो हम आज के तारीख तक 12 दिन में हम कम से कम 8,000 बच्चों से बात किए हैं। तो कई स्कूल्स में हमें मौका मिला है बात करने के लिए। हमें एक स्कूल नेपाल में इनवाइट किया, तो जब हम सिलीगुड़ी में थे तो हमें नेपाल में जाने के लिए भी मौका मिला, तो हम वहाँ पे भी इस एक स्कूल में
यौन शोषण के, बालक यौन शोषण के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किए हैं। टोटल कितने किलोमीटर का यात्रा? टोटल 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर हमने साइकिल करने वाले हैं। आज के तारीख तक हमने 1800 किलोमीटर कवर किए हैं। ये हमारा फिफ्थ एक्सपेडिशन है, फिफ्थ ईयर। हमने पूरा इंडिया घूम चुके हैं। इस बार हम नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट कवर कर रहे हैं। कितना तो खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो हम फिजिकल फिटनेस के बारे में भी लोग के बीच में बात करते हैं। ओडिशा फॉलोअप संयोजक विभुदत्त बेहरां पौरोहित्यरे आयोजित संवर्धना प्रदान कार्यक्रम अनुष्ठान निर्देशक डॉक्टर डीबी हृदया और सहनिर्देशिका हिरणमयी दांडिया जोगदे अभिजात्री दल पदक्षेप को उच्च प्रशंसा करते गो साइकल दल एत बड़ प्रयास को सब महल समर्थन जनवाक संयोजक श्री बेहरा समस्त को आह्वान देते। आज्ञा, यहाँ हूँ एक शिक्षा अनुष्ठान, ये पाने रहा पाने पाठ पढ़ती क्लास वन टू नहीं कि बीएससी नर्सिंग पर्यंत पाने स्थान अच्छा, तो ये पाने आगे जाकि भविष्य गढ़े और अन्य शिखेबे, तो चाइल्ड ट्राफिकिंग आउ सेक्सुअल अब्यूज ये सब विषय से जानवर बहुत आवश्यकता रही, तो से निजे जानवे और अन्य सचेतन करेंगे, से मुझे आमंत्रण करें गेट रू वेलकम कलु। आम पाने समस्ते भारत पताका धरिकी से वेलकम कले और पूरा कैंपस को गोटे बुलिले पुणी एवं देखुं से पटे स्टेज अच्छी सही प्रोग्राम करें जो जो कौशल सब रही चाइल्ड सेक्स उपर चाइल्ड अब्यूज उपर ह्यूमन ट्राफिकिंग से सब विषय कौशल एही दल बालेश्वर जा भुवनेश्वर ब्रह्मपुर विशाखापाटना और विजयवाड़ा दे बेंगलुरु में पहुंचिब। संजय विश्वास, पार्वती नास, निराकार सोना प्रमुख समेत ओडिशा फॉलोअप शिक्षक शिक्षयित्री और कर्मचारी माने उपस्थित रही समस्त कार्य परिचालना करथिले। बालेश्वर सहर उपकंठ कुरुड़ा स्थित ज्योति हॉस्पिटल को जर्मन रो आईटी कंपनी एनटीटी डाटा पक्षर एक आंबुलांस प्रदान करा दैछि। नुआदिल्लीर स्वेच्छासेवी संगठन बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन सहयोग रे स्वास्थ्य सेवा प्रदान रे विशेष अवदान पई ज्योति हॉस्पिटल को एही आंबुलांस प्रदान करा दैछि। एही परिप्रेक्षी रे हॉस्पिटल परिसर रे एक कृतज्ञता ज्ञापन कार्यक्रम अनुष्ठित होइथला। एही कार्यक्रम रे ज्योति हॉस्पिटल रो प्रतिष्ठाता बिशप थेरुथिलिल मुख्य अतिथि भाव जोगदे मानव सेवारे विभिन्न संगठन मानक सहयोग और प्रोत्साहन प्रेरणादायक बोली कहिथिले। And we treated many sick people. Our work well. That's a great team. And today, this evening, our main gathering, that in appreciation for our good work for the COVID patients in the hospital, for the hospital. Last year, 9 months continuous, and this year, 3 months. And that is wonderful work we have done. Our staff, doctors, staff. Which was well appreciated, and the news reached not only here, far away, and that is an indication this ambulance is coming there mainly because of our for the COVID patients. What I want to say, we are able to save the life of many people. So there were few deaths, so they were very ill, incomplete, but we tried it, and I congratulate our doctor staff all for wonderful work there. And thank you very much for your generosity. स्वेच्छासेवी संगठन बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन रो सभापति मीनुश्री मधुमिता और संपादक दुर्गेश मिश्र एथिरे बरेण्य अतिथि भाव जोगदे ज्योति हॉस्पिटल को आंबुलांस प्रदान आभिमुख्य संपर्क में सूचना देते। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଆମ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁ,
पूर्वरु आईटी कंपनी एनटीटी डाटा पक्षरु बेंगलुरुर एक हॉस्पिटल को मध्य सहयोग प्रदान करायतिबा बेले जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवा रे नियोजित विशेष करी कोविड चिकित्सा रे ज्योति हॉस्पिटल रो अतुलनीय अवदान पई आंबुलेंस प्रदान निमित्त निष्पत्ति निया जायतिबा मिनुश्री मधुमिता प्रकाश करथिले। वर्ल्ड टॉप 5 आईटी कंपनीज भितर गोटे अफिस अच्छे नोएडा अफिस भी नोएडा तो से फंड करते बहुत सारा प्रोजेक्ट पैंडामिक से कहला आंबुलांस देवाक चाहूँ ये एरिया ग्रेटर नोएडा एरिया आम गोटे आंबुलांस देव टाटा मैं गोटे बड़ आंबुलांस कहुए आप मेडिकल स्टाफ बेटर जानवे एडवांस लाइफ सपोर्ट आंबुलांस घरे कर दुर्गेश भाई को कहल कि भाई आम गोटे एम्बुलांस तो देर लोक कई खुशी हेले कह आमको कौन मिलेगा ओडिशा कौन कल तुम्हें एनडीटी डाटा से कथा से कहे से सुविधा कौन है गैस साइक्लोन एंड कर तो जितने मुझे गैस बहुत प्रॉब्लम प्लस कोविड प्रॉब्लम तो से राजी बालेश्वर पर कथा से क्या दिज्वे हस्पिटा विषय जानते सब मिसिकी डिड कले कि नहीं ज्योति हस्पिटा से चाहूँगी ज्योति हस्पिटाल जो गोटे बड़ कंपनी फंड कैर ना से जहाँ पाए देदेव से फादर थर यू नो ग्राउंड बैकग्राउंड सर्वे अफ ज्योति हस्पिटा से ज्योति हस्पिटा विषय में बहुत लोग पचार आम छड़ा गट कनफर्म कि नहीं ज्योति हस्पिटा कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक बालेश्वर जिले में ज्योति हस्पिटाल निर्देशक फादर पल कुनम परमपथ अध्यक्षता करने सहित कार्यक्रम आभिमुख्य संपर्क में सूचना देते अवसर में हस्पिटाल प्रतिष्ठाता बिशप थेरु थिलिलि नूतन आंबुलांस चाबी हस्तांतर कर फादर पीटर आर्सेल शेषे समस्त धन्यवाद अर्पण करते ज्योति हस्पिटाल अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती और ज्योति नर्सिंग स्कूल अध्यक्षा सिस्टर सुमाराणी समेत समस्त कर्मचारी उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालन सक्रिय सहयोग करते मिलित तो ओडिशा निशा निवारण अभियान बा मोना पक्षर भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गत नवकृष्ण चौधरी जीवनी आधारित पुस्तक नीतिनिष्ठ नवकृष्ण लोकार्पण उत्सव आतिथ्य सभागृह अनुष्ठित फकीरमोहन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी ए मुख्य अतिथि भाव जोगदे नवकृष्ण तांक आदर्श अनुप्राणित होते और कृषक आंदोलन भूदान आंदोलन ओडिया भाषा को सरकारी मान्यता प्रदान निशा निवारण बाजीराउत छात्रावास आदि लोकाभिमुखी कार्य संपर्क में आलोकपात करते मनार राज्य सभापति पद्मचरण नायक एथिरे मुख्य वक्ता भाव जोगदे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में संग्रामी वीर आत्मबलिदान प्रतिफलित नवकृष्ण संग्रामी जीवन एक विरल दृष्टांत मत प्रकाश करते बहुश्रम स्वीकार कर तांक जीवनादर्श उपरे गवेषणात्मक पुस्तक संकलन करथिबा से प्रकाश करथिले अवसर रे नीतिनिष्ठ नवकृष्ण पुस्तक को अतिथि माने उन्मोचन करथिले लोकार्पित पुस्तक संकलन रे मुख्य भूमिका नेथिबा डॉक्टर श्रीचंद्र जेना डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहरा कवि विमल जेना और डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी पुस्तकर विभिन्न दिग उपरे आलोकपात करी मनार उद्यम को प्रशंसा करथिले
ମନାର ସଭାପତି ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର କ୍ଷିତିଶ୍ୱର ଦାସ ବେଦପାଠ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମମତା ମହାପାତ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମନା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପାଦିତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ବୋଲି ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁବ୍ରତ କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସିଂ, ସ୍ମୃତି ଦାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତ୍ରିଦୀପ ନାୟକ, କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହା ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର କେଶବଚରଣ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଶାଳ ଆଇନ ସେବା ଶିବିର। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଥମ ଉଡନ୍ତା ପୋଲର ନିମ୍ନମାନର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଙ୍କ ମିଳିତ ଗଣଧାରଣା 18। ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସାଇକେଲ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳ। କୁରୁଡ଼ାସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଫଲ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ମଞ୍ଚ ମନା ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଭୂତପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ ନୀତିନିଷ୍ଠ ନବକୃଷ୍ଣ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।